हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रयास एंड एफर्ट टू एक्सीलेंस। माय नेम इज विमला मौर्य एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर मैथमेटिक्स क्लास एक्सरसाइज 1C। हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ। लास्ट लेक्चर में हमने प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना सीखा है। आज हम प्लेस वैल्यू के बीच में डिफरेंस निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हमारा कहता है 6 in 6 1 5 2 6 5। तो यहाँ पर देखिए, गिवन नंबर में 6 कितनी जगह पर है? 2 प्लेसेस पर है, एक यहाँ और एक यहाँ। सबसे पहले हम इसकी प्लेस वैल्यू निकाल ले। फ्रॉम राइट साइड इसकी प्लेसेज राइट कर लेते हैं। 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000 एंड लैक। तो जो आपका फर्स्ट डिजिट है फ्रॉम लेफ्ट, इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ गई? 6 लाख, जिसे हम लिख सकते हैं 6। इसके बाद राइट साइड में जितने भी डिजिट हो उतने 0। आप देख रहे हैं 5 डिजिट है राइट साइड में 6 के, तो 5 0। अब अगर हम इस 6 की बात करें तो ये 6 की प्लेस वैल्यू क्या है? 10s है। और ये हमारा आ जाएगा 6 एंड राइट साइड में 1 डिजिट है, तो 6 0 60। लेकिन जब हम इसे राइट करेंगे तो हम यहाँ ना राइट करके 0 के नीचे 0 लिखेंगे, क्योंकि ये 1s प्लेस का 0 है, तो हम 1s प्लेस 60 का यही राइट करेंगे। और 10s प्लेस पर 60 है तो हम 6 यहाँ राइट करेंगे और इसे माइनस कर लेंगे। 0 माइनस 0 0। यहाँ से हम कैरी लेंगे 10 माइनस 6 4, 9 9 9, और यहां कितना बचा था? 5। तो हमारा डिफरेंस क्या आया? 5 9 9 9 4 0। आप इसे कॉमा का भी यूज कर सकते हैं। क्या आ गया आपका आंसर? 5,99,940। आवर फोर्थ पार्ट इज 4 in 8 3 6 4 5 2 4 1। अगेन हम प्लेसेस राइट कर लें। 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000s, lakh, 10 lakh, crore। यहां पर अगर हम देखें तो इस 4 की प्लेस वैल्यू क्या है? 40,000। 4 के राइट साइड में कितने जीरोज हैं? 1 2 3 4। तो हमने यहां 4 0 राइट कर लिया। और नेक्स्ट 4 की प्लेस वैल्यू क्या है? 40। अभी हम कहां से राइट करेंगे? 1s प्लेस से। 0 माइनस 0 0 0 से 4 नहीं माइनस होगा, इसके लिए हम यहां से कैरी लेंगे। 10 माइनस 4 6 9 9 एंड 3। तो आपका डिफरेंस क्या आ गया? 39,960। क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। जो भी नंबर गिवन हो उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। तो सबसे पहले हम ये जान लें एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर होता क्या है। इफ बी एक्सप्रेस अ गिवन नंबर एज द सम ऑफ इट्स प्लेस वैल्यू, इट इज कॉल्ड इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म। मैंने अपने लास्ट लेक्चर्स में बता रखा है कि प्लेस वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। और प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करने के साथ ही अगर हम, जैसे सपोज दैट आपके पास ये एक नंबर लिखा है 8 3 6 4 5 2 4 1, तो हम यहाँ पर इसकी प्लेसेस राइट करते हैं 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000s, lakh, 10 lakh, crore। अगर हम जैसे यहाँ पर हमने प्लेसेज फाइंड आउट किया है 4 का, इसी तरह 1 के प्लेसेज फाइंड आउट करें तो क्या आएगा? 1 आएगा, 4 का 40 आएगा, 2 का 200, 5 का 5000, 4 का 40,000, 6 का 6 lakh, 3 का 30 lakh एंड 8 का 8 crore। अब अगर इसी तरह से हम इनकी प्लेसेज फाइंड आउट कर इसको एडिशन में राइट कर दें, प्लस लगा कर लेते, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। इसको हम क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट से समझ लेते हैं। यहां पर फ्रॉम राइट साइड हम इसकी प्लेसेज राइट कर ले 1s, 10s एंड 100s। मैंने बताया था कि यहाँ पर जो प्लेसेज होती हैं ये आपस में 10
राइट साइड के नंबर का। अगर 3 की प्लेस वैल्यू 1 है, मींस 1 से अगर हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 10 टाइम्स होगा 10, 2 में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 का 10 टाइम होगा 100, 5 में हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्लेसेस मिल जाएंगी। तो यहां पर 5 की प्लेस वैल्यू हमारी क्या है 100, तो ये हो गया हमारा 500 एंड 2 की प्लेस वैल्यू क्या है 10, तो ये हो गया हमारा 20 एंड 3 की प्लेस वैल्यू क्या है 1, तो इसे हम 3 ही रहने देते हैं। एक तो हमारा मेथड हो गया इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने का। दूसरा हम चाहे तो जो हमारा सेकेंड मेथड है, हम 5 को एज इट इज ऐसे ही लिखा रहने दें और इसकी प्लेस वैल्यू है 100, तो हम 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें और फिर प्लस का सिंबल लगाएं। इसको आप ब्रैकेट से अलग भी कर सकते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो समझने में। फिर 2 की प्लेस वैल्यू 10 है तो हम 2 में 10 से मल्टीप्लाई कर दें फिर प्लस, और 3 की प्लेस वैल्यू 1 है तो हमने देखा दोनों केस में हमारा आंसर सेम आएगा क्योंकि 5 × 100 = 500 यहां लिखा है, 2 × 10 = 20 यहां लिखा है, 3 × 1 = 3 तो आप इन दोनों मेथड से कोई भी लिख सकते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, 8 2 6 0 5 9 4 3। अब अगर हमें इससे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या करेंगे, इसकी भी प्लेसेस राइट कर लेंगे, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लाख 10 लाख करोड़। अब इसको हम इनमें से किसी एक ही मेथड से राइट करेंगे, हम ऊपर वाले मेथड से राइट कर लें। 8, अब राइट साइड में जितनी वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हैं तो हम 7 0 लगाएंगे, प्लस हमारा नेक्स्ट डिजिट क्या है 2, राइट साइड में कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 तो हम यहाँ 6 0 राइट कर लेंगे, प्लस 6 नोट करेंगे इसके राइट में 5 डिजिट होगी 1 2 3 4 5, प्लस अब यहाँ 0 है तो हम 0 के साथ भी राइट डिजिट जितने भी लिखे हों जैसे 1 2 3 4 लिख सकते हैं, टोटल हम 5 यहाँ 0 लिख सकते हैं लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं, हम एक ही बार 0 लिखेंगे तो उसकी वैल्यू 0 ही मानी जाएगी। यहाँ पर 5 के राइट में 1 2 3 डिजिट 3 0s, प्लस 9 एंड 2 0s, प्लस 4 एंड राइट में 1 0 आएगा 40, प्लस 3। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारी जो डिफिनीशन थी कि इफ वी एक्सप्रेस अ गिवन नंबर, अगर हम किसी नंबर को एक्सप्रेस करते हैं कैसे, एज द सम ऑफ इट्स प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू के सम के रूप में। तो यहाँ देखिए हमने गिवन नंबर की हर एक डिजिट के प्लेस वैल्यूज निकाले हैं और उसे एडिशन के फॉर्म में राइट कर दिया है। तो इस तरह से हम एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर्स को राइट करना सीख। क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट द नंबर्स हुज एक्सपेंडेड फॉर्म आर गिवन बिलो। ये क्वेश्चन नंबर 5 का अपोजिट समझ लीजिए, वहां पर नंबर्स गिवन थे हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था, यहाँ एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर लिखा है, हमें नंबर्स राइट करना है। तो हम इसको पहले तो मल्टीप्लाई करते और उसके बाद ऐड करते, हम इतना बड़ा इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, इस तरीके से नहीं सॉल्व करेंगे, हम इसके प्लेसेज के अकॉर्डिंग इसको राइट कर लेंगे। क्वेश्चन देखने से ही पता चल रहा है ये क्या लिखा है, 6 × 1 मीन 6 की प्लेस वैल्यू क्या है 1, 1 की टेंस, 8 की हंड्रेड्स, 7 की थाउजेंड्स एंड 5 की 10,000। तो यहां हमने देखा कि 5 × 10,000 है तो हम राइट कर ले प्लेसेज 1, 10, 100, 1000 एंड 10,000, 1000 के ग्रुप तक का नंबर है, हमने 1000 तक का राइट कर लिया। अब वंस की प्लेस पर क्या आएगा 6 आएगा, टेंस की प्लेसेज पर 1, 100 की प्लेस पर 8, 1000 की प्लेस पर 7 और 10,000 की प्लेस पर 5। तो ये हम बहुत आसानी से एक्सपेंडेड फॉर्म से नंबर राइट करना सीख गए। अब थर्ड पार्ट इज 60 लाख प्लस 40,000 प्लस 2,000 प्लस 100 प्लस 7। तो
यहाँ से जैसे हम इसको रीड कर रहे हैं, इसको क्या रीड कर रहे हैं, 60 लाख। तो हमें पता है इसकी प्लेस वैल्यू कहाँ तक है, लाख के ग्रुप क्या है, ये थाउजेंड्स का है, ये भी थाउजेंड का है, ये 100 है और ये 7 है। तो हम इसको भी डायरेक्ट राइट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इसको हम मल्टीपल के रूप में लिखें। तो इसको देख लेते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख एंड 10 लाख। अभी कितना लिखा हुआ, 60 लाख। दैट मीन्स ये 60 कहाँ लिखा हुआ है, लाख के ग्रुप में। 40,000 एंड 2,000 दोनों है, दैट मीन्स वंस प्लेस पर 1,000 के क्या आएगा, 2 आएगा, और 4 कहाँ आएगा, 10,000 की प्लेस पर आएगा, तो ये हो जाएगा 42,000। 100 के प्लेस पर क्या होगा, 1, एंड अब 10 के प्लेस का कोई नंबर यहाँ नहीं राइट है, तो इसको हम वैकेंट होने की वजह से क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, और वंस की प्लेस पर क्या आ जाएगा, 7। तो इस तरह से हमने देखा कि क्या आ गया आपका आंसर, 60,42,107। ये आपका शॉर्ट मेथड हो गया कि जिससे आप कम समय में जल्दी से जल्दी एक्सपेंडेड फॉर्म के से आप नंबर्स बनाना सीख जाइए। लेकिन आपका अगर आंसर नहीं आ रहा और आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रही है इसको लेकर, तो आप नंबर्स को ऐड भी कर सकते हैं, उससे भी आपका सेम नंबर आएगा। ये आपका इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन है, तो कॉमा का यूज आप उसी के अकॉर्डिंग रखेंगे, उसी के ग्रुप्स के अकॉर्डिंग रखेंगे। जैसे ये वंस ग्रुप हो गया, देन थाउजेंड्स एंड देन लाख। योर टुडेज होमवर्क इज डू एक्सरसाइज 1C अप टू क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका होमवर्क हो गया, आप इसको करेंगे। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7 to 10। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस वीडियो, आस्क इन कमेंट बॉक्स। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल प्रयास इन एफर्ट टू एक्सीलेंस एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।